सबके घरों में फर्शे अजाब बिछ जाता है। मम्मी इतना ऊंचा ठीक है? आज से सिर्फ और सिर्फ अजादारी होगी। वो हमेशा मुझे कोई ऐसा तोहफा देती हैं जो और जमीन पे सो। देखिए अम्मी कैसी है। और अपने दिल एक दूसरे के लिए साफ कर लें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी फ़ाइज़ा डार। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड वेलकम बैक टू फ़ाइज़ा डार व्लॉग। और मेरी दुआ है व्लॉग के स्टार्ट में कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और आबाद रखे अपनी फैमिली फ्रेंड्स और अपने प्यारों अपने अजीज़ों के साथ। मगरिब के बाद जो है मुहर्रम का चांद नज़र आ जाएगा। चांद नज़र आने से पहले ही जो है अय्याम स्टार्ट हो जाते हैं। सबके घरों में फर्शे अजाब बिछ जाता है। हमारे घर में भी ऐसा ही है। ये आप देख सकते हैं, मामा ने सोफ़ों पर भी काली चादरें डाल दी हैं। बस यहाँ पर एक अलम लगाना बाकी रह गया है और फर्शे अजा की इधर भी काली चादर बिछानी है। देखो मम्मी इतना ऊंचा ठीक है? हाँ हाँ ठीक है। अब हम बिछाएंगे फर्शे अजा। ये जो काली चादर और काली चादरें हम बिछाते हैं ना, इसको फर्शे अजा कहते हैं। फर्शे अजा वो फर्श जहाँ पर आज से सिर्फ और सिर्फ आज़ादारी होगी और ये बीबियों और हमारे मौला के आने की तैयारी हो रही है। हम सबको इंतज़ार है कि वो हम गुनाहगारों के घर में आएंगी अपने भाइयों का पुरसा लेने। लंबी का मुझे सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ एक बहुत ही प्यारा तोहफ़ा। ये मेरी एक चाहने वाली हैं, वो हमेशा मुझे कोई ऐसा तोहफ़ा देती हैं जो मेरे लिए बहुत स्पेशल होता है। ये जुल्फ़िकार वाला ब्रेसलेट उन्होंने मुझे दिया और ये पाँव की बेड़ी भी दी है उन्होंने मुझे। अपनी भी फ़्लाइट थी, उन्होंने भी जाना था माशाल्लाह ज़ियारतों पर, लेकिन उनसे सब्र नहीं हुआ। वो मुझसे पहले जा रही थी तो उन्होंने कहा तुम्हारी चीज़ें तुम्हारे तक पहुँचा के तो फिर जाऊँगी मैं। अल्लाह ताला मौला पाक उनके रिस्क में इजाफ़ा करें और उनकी पुरसेज़ेदारी को भी कबूल करें अपनी बारगाह में और उनके रिस्क में बहुत इजाफ़ा हो। हमारे घर में सारा फर्शे अजा बिछ चुका है और पुराने वक्तों में ऐसे मुहर्रम का इस्तकबाल किया जाता था कि मामा आप बताती हैं, क्या बताती हैं नाना बू? खाना कहते थे गोश्त वगैरह नहीं खाना और सब्जियां और दाल वगैरह इस तरह के। वो भी वो कहते थे इतना ज्यादा सजावट बनावट ना करो और जमीन पे सो। ममदी बिस्तरे माशाल्लाह वो हाजरी भी बनाते थे लकड़ियाँ धो के। पुराने वक्तों के जो लोग थे ना उनके अकीदे उनकी मार्फत मार्फत की बात है। पुराने वक्तों के अकीदे पुराने वक्तों की अज़ादारियाँ पुराने वक्तों के पुरसे ही अलग होते हैं। मैं आपको सबसे पहले दिखाती हूँ तबरकात। जिन तबरकात का जिक्र मैंने किया था कि कल हम ऑर्डर देने के लिए गए थे वो बन के आ गए हैं। और कुछ तबरकात ऐसे हैं जो मेरी अम्मा ने अल्लाह ताला उनकी इस मेहनत को कबूल करें उनकी ज़ुबान में तासीर दें उनके हाथों में और ताकत दें। मोती सितारों से और सुई धागों से मेरी अम्मी जो हैं ये सारी चीज़ें बनाती हैं और ये सारे ताज़िए ये सारे तबरकात उनके लोग जो करबला जाते हैं वो भी बनवाते हैं और वो ख़ुद भी करबला लेकर जाती हैं। शबीए ताबूत अम्मी ने बनाया है शहज़ादा अली अकबर अलैहिस्सलाम का। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये ताबूत है, ये पूरा मंज़र आपको देखने को मिलेगा बाद में। उसके बाद जी ये है ताबूत शहजादा अली असगर अलैहिस्सलाम का। ये झूला अम्मी ने बनाया छोटा सा अपने हाथों से। उसके बाद ये दस्तार है अम्मी किसकी, ये दस्तार अम्मी ने अपने हाथों से बनाई है शहजादा अली अकबर अलैहिस्सलाम की। ये भी अभी कंप्लीट नहीं है, इसमें अभी शीशे लगेंगे। ये दस्तार है शहजादा अली असगर अलैहिस्सलाम की। ये बच्ची को मौला जिंदगी वाली औलाद दे आमीन। ये किसी बहन है मेरी, उन्होंने भेजे, उनकी औलाद की ख्वाहिश थी और उस इसलिए उन्होंने भेजा है कि जो करबला में मकामे अली असगर पे झूला है ये वहाँ पर जाएंगी। ये कुर्ता मामा ने ख़ुद बनाया है, ये दस्तार और ये तकिए हैं शहजादा अली असगर के, ये सारे कपड़े और ये सारे शहजादा अली असगर के जोड़े हैं। ये बीबी सकीना सलामुल्लाह सदके कुर्बान, ये उनका कुर्ता है। मन्नत की जिस जिसने उठानी है ये वो है। गठरी है शहजादा कासिम अलैहिस्सलाम की। शहजादा कासिम अलैहिस्सलाम की शहादत हुई थी तो उनका जो जनाजा था वो हज़रत इमाम हुसैन खैमों में एक गठरी की शक्ल में लेकर आए थे। घोड़ों के सुमों से उनका लाशा पामाल हो गया था। तो ये जो गठरी बनाई जाती है ये
इसलिए बनाई जाती है कि शहजादा कासिम अलैहि सलाम का जो लाशा है वो खैमों में मौला एक गठरी में समेट के लाए थे। और ये जो कुर्ते हैं ये अमीर मुस्लिम अलैहि सलाम की जोड़ी, बीबी रुकैया की जो जोड़ी है मोहम्मद और इब्राहिम, ये उनके कुर्ते हैं और ये उनकी दस्तार है जो बीबी की जोड़ी के रोज़े में ये भी जाएंगे। के बाद ये दस्तार है शहजादा कासिम अलैहि सलाम की, ये भी ये देख लें आप, ये भी मामा ने अपने हाथों से बनाई है। ये कुर्ता है शहजादा अली असगर अलैहि सलाम का, मामा ने अपने हाथों से शहजादा अली असगर के खुद से बनाए हैं। उसके बाद ये गाना है शहजादा कासिम अलैहि सलाम का और ये गाना है शहजादा अली अकबर अलैहि सलाम का। उसके बाद ये कैंडल्स हैं, ये बीबी कुबरा के नाम की चूड़ियाँ हैं। ये दस्तार है इमाम हुसैन की जो अभी ये अधूरी है, ये भी हम मौला के हरम में लेकर जाएंगे। और ये एक आंटी हैं, उन्होंने मंगवाई थी। ये इमाम जामिन हैं अली अलैहिस्सलाम मदद और या हुसैन अलैहिस्सलाम के, ये इमाम जामिन हैं जो ये वहाँ पर बांटे जाएंगे। दादा कासिम अलैहिस्सलाम की घरोली है, इसमें करबला में दूध डल के फिर ये निकाली जाएगी जब प्रॉपर मेहंदी हो जाएगी। अब मैं दिखाती हूँ आपको एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ जो मैं हर साल जब जाती हूँ करबला तो वो मैं अपने साथ लेकर जाती हूँ। करबला में एक ऐसा वक्त आया था जब इमाम हुसैन की शहादत हो गई थी, तो इमाम हुसैन के शहादत के बाद इब्ने ज़ियाद ने हुक्म दिया था कि लाशों को पामाल कर दिया जाए और लूटो लूटो। तो जिसका जो दिल किया था ना उसने वो लूटा था। ज़ालिमों ने इमाम हुसैन की कबा तक नहीं छोड़ी थी और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने हाथ में एक अनारी याकूत की अंगूठी पहना करते थे और वो अंगूठी आसानी से नहीं उतरी थी। तो एक ज़ालिम ने पत्थर मार के मौला की उंगली मुबारक को शहीद कर दिया था सिर्फ एक अंगूठी के लिए। तो मैं जब भी जाती हूँ मौला के लिए गोल्ड की अंगूठी लाजमी बना के लेकर जाती हूँ। अंगूठी है मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए अम्मी कैसी है, बहुत प्यारी है। सदके मौला सदके। ये हम मौला की कतलगाह में जो है नज़र करेंगे। अच्छा जी, उसके बाद ये कड़ियाँ हैं जो वहाँ पर करबला में बांटी जाएंगी। ये बड़े साइज़ की कड़ियाँ हैं और जो ये हैं ये छोटे मासूम बच्चों के साइज़ की हैं। अच्छा जी, ये सेहरा है शहजादा कासिम अलैहिस्सलाम का और ये सेहरा है शहजादा अली अकबर अलैहिस्सलाम का। ये 7 मुहर्रम को इंशाल्लाह करबला में इन दोनों सेहरों की जो है बरामदगी होगी। इंशाल्लाह आपको ज़रूर देखने को मिलेंगी वो वीडियोस भी। और अब खुदा की बारगाह में बीबी के भरे घर के लुटने का पुरसा पेश करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। चांद मुहर्रम के तू बदली में चला जा, तुझे देख के मर जाए ना, तुझे देख के मर जाए ना, बीमार है सुगरा। चांद मुहर्रम के तू बदली चला जा, घर जहारा का लुटने की खबर तूने सुनाई, तुझे देख के रोती है मुहर्रम में खुदाई। 1400 बरस बीते, 1400 बरस बीते, सब करते हैं शिकवा। चांद मुहर्रम के तू बदली में चला जा, आदा जो किया बहन को सीने से लगा के, मैं शादी करूंगा तो
बिछड़ी है ये मुद्दत से, इसे तू ना नजर आए। चांद मुहर्रम के तू बदली में चला जा। बहनों का तो भाइयों से रिश्ता ही अजब है, तुम भूल गए मुझको, ये कैसा गजब है। इस आस पे जिंदा हूँ, इस आस पे जिंदा हूँ, देखो तेरा सहरा। चांद मुहर्रम के तू बदली में चला जा। अनालानतुल्लाहुम्मुज़ालिमीन। और ये जो हैं ये कुर्ते हैं शहज़ादा अली असगर के, ये कुर्ता है और इसके साथ ये भी मेरी अम्मी ने ख़ुद बनाया। ये शलवार है और इसके ऊपर ऐसे ये कुर्ता है। जी गाइस, तो खुदा ताला की बारगाह में हमने मोहम्मद वाले मोहम्मद के भरे घर के लुटने का पुरसा भी दे दिया। और अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो सारी तैयारियाँ हैं ये किस चीज़ के लिए हैं। मैं और अम्मी अल्हम्दुलिल्लाह जा रहे हैं करबला आशूर के लिए, और ये जितने भी तबरुकात हमने बनाए हैं ये हमने करबला में नज़र करने हैं। आप ज़रूर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आने वाले जो व्लॉग हैं वो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाले हैं। उनमें आप ये सारी ज़्यारतें घर बैठे बैठे मैं आपको करवाऊँगी, सारी ज़्यारतें, सारे पुरसे। एक वादा आप सब लोग मेरे साथ करें कि मुहर्रम शुरू हो गया है, कोई किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करेगा, कोई किसी के साथ, आप लोगों को क्रिटिसाइज़ करना है ना मुहर्रम के बाद, मैं हाज़िर हूँ, कर लें। मुहर्रम में ना आप लोग सिर्फ और सिर्फ ज़्यारात पे फोकस करें, पुरसे पे फोकस करें। और मेरी नीयत अपने साथ साथ आप सबको ज़्यारात करवाने की है, जो लोग घर में बैठे बैठे करबला की सारी ज़्यारात करवाने की है। तो मेरी नीयत को सिर्फ अपनी नज़र में रखें और बाकी क्रिटिसिज्म की तरफ मत जाएं। ये मेरी आप सब से एक रिक्वेस्ट है। बाकी आप सब लोग बेहतर जानते हैं, आप सबको अल्लाह ताला ने शऊर दिया है, बाकी आप सबका जो दिल करे, हर बंदा अपनी मर्ज़ी का मालिक है। तो आज के व्लॉग में मैंने आपको ये सारे तबरुकात दिखाए हैं। इंशाल्लाह कल के व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि जो करबला का जवार है, जो एक ज़ायर है, उसको क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, उसको अपने सामान में क्या क्या रखना चाहिए जिसकी उसको वहाँ जा के ज़रूरत पड़ सकती है। इंशाल्लाह कल के व्लॉग में मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताऊंगी। अभी इस व्लॉग को मुझे यहाँ पे ख़त्म करना होगा क्योंकि व्लॉग बहुत ही लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे। अभी के लिए इतना ही। आप लोग लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि आपको जितने भी आने वाले व्लॉग हैं वो जैसे ही अपलोड हों आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाए। दुआ में मुझे याद रखें और अपने दिल एक दूसरे के लिए साफ कर लें। और मुहर्रम सफ़र सिर्फ़ और सिर्फ फ़कत मोहम्मद और आले मोहम्मद के दुख में शरीक हूँ, ना कि किसी को पर उंगली उठाएं, ना कि किसी की दिलाजारी करें। ये अयाम जो हैं किसी की दिलाजारी करने के लिए नहीं हैं, ये एक हो के मोहम्मद और आले मोहम्मद की बारगाह में पुरसा देने के हैं। ठीक है, अगर मेरी छोटी सी बात आपको समझ में आती है इस पर प्लीज़ गौर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।